उत्तर प्रदेश के हरदोई के मुंसिफ कोर्ट की जमीन पर अवैध कब्जा हो चुका है। इस अवैध कब्जे को लेकर कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कब्जा होने वाली जगह हरदोई की मुंसिफ कोर्ट है। आपको बता दें कि अपर जिला जज ने मुंसिफ कोर्ट का निरीक्षण कर अवैध कब्जे को मुक्त कराने के भी निर्देश दिए हैं। अब देखना बस यह है कि अवैध कब्जे से मुंसिफ कोर्ट की जमीन कब मुक्त होती है। बताते चले कि अपर जिला जज अखिलेश कुमार पांडे ने शाहबाद पहुंचकर तहसील परिसर में बनी मुंसिफ कोर्ट की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बिल्डिंग के रखरखाव का भी जायजा लिया तथा मुंसिफ कोर्ट के लिए आवासीय स्थल का निरीक्षण किया और बिल्डिंग के आसपास अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन को तत्काल खाली कराने के निर्देश दिए। इससे पूर्व अपर जिला जज के निर्देश पर मुंसिफ कोर्ट की जमीन की पैमाइश कस्बे के लेखपाल और कानूनगो के द्वारा की गई थी तथा उसका सीमांकन किया गया था। यहां आपको बता दें कि अपर जिला जज ने कस्बे के अंदर मुंसिफ कोर्ट के लिए बनने वाले आवासों की जमीन का भी जायजा लिया। इस अवसर पर एसडीएम अतुल श्रीवास्तव, सीओ राकेश वशिष्ठ, तहसीलदार अवधेश कुमार, कानून गौर ऋषि दीक्षित, लेखपाल अनिल कुमार त्रिपाठी के साथ मुंसिफ कोर्ट की इमारत और आवासीय भूमि का भी निरीक्षण किया गया। बताते चले कि अपर जिला जज ने शाहबाद पहुंचकर तहसील परिसर में बनी मुंसिफ कोर्ट की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बिल्डिंग के रखरखाव का भी जायजा लिया तथा मुंसिफ कोर्ट के लिए आवासीय स्थल का निरीक्षण किया। अपर जिला जज अखिलेश कुमार पांडे ने तहसील परिसर में निर्मित मुंसिफ कोर्ट का निरीक्षण किया और बिल्डिंग के आसपास अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन को तत्कालीन खाली कराने के भी निर्देश दिए। अपने ये खबर मिली थी कि हमारे यहाँ जो मुंसिफी कोर्ट की ज़मीन है वहाँ पे इंक्रोचमेंट हो रहा है, तो वही उसी सूचना पर हम लोग ये आए थे। तो उसमें जो रजिस्ट्री दफ्तर था उसमें जो इंक्रोचमेंट जो उन्होंने नया निर्माण करना शुरू किया था उसको रुकवाया गया है फिलहाल, जब तक इसका नहीं होता है कि किसकी ज़मीन है क्या है। उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर देखा है कि काफ़ी ज़मीन हमारी है जिस पर इंक्रोचमेंट हुआ है, तो इस संबंध में अब उचित कार्रवाई आगे जो भी होगी वो की जाएगी। मुंसिफी क्यों लेके आपका सर क्या? यहाँ पे ग्राम न्यायालय बहुत जल्द आने की संभावना है, क्योंकि कोर्ट बिल्डिंग हमारी बनी हुई है तो ग्राम न्यायालय बहुत जल्द आ जाएगा। और मुंसिफ कोर्ट भी, चूँकि माननीय उच्च न्यायालय भी चाहता है कि हर जगह पे मुंसिफ कोर्ट और ग्राम न्यायालय की स्थापना हो, तो इसलिए बहुत जल्दी है, संभावना है कि बहुत जल्दी ग्राम न्यायालय। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.